हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, सोशल इशू पर डिस्कस करेंगे, है ना, जो डेमोग्राफी से रिलेटेड है, यानी जो जनसंख्या से, जनांकी से संबंधित है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे कानून बनाएगी जिससे दो से अधिक बच्चे वाले जो कैंडिडेट हैं, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वो लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिपील्ड एन अर्लियर लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट ने हाल ही में जो अर्लियर लेजिस्लेशन था उसको भी रिपील किया और यह कहा कि जो भी अब वैसे कैंडिडेट हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वो लोकल बॉडी के इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए एन चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि 2047 के बाद भी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश जो है उसको बना कर रखना है। जनांकीय लाभांश का अर्थ होता है, ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ होता है जब आपके जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में, वर्किंग पॉपुलेशन यानी यंग पॉपुलेशन की संख्या अधिक हो तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। और अभी फ़िलहाल भारत के पास, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनांकीय लाभांश है, है ना। बाकी देशों की बात करें, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम हो चुका है और उसका एकमात्र कारण है फर्टिलिटी रेट का नीचे गिरना, है ना। यानी जो भी फर्टिलिटी रेट है, जो बर्थ रेट है, उसका नीचे जाना। तो एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इंडिया को 2047 के बाद भी डेमोग्राफिक डिविडेंड मेंटेन करने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम फैमिली प्लानिंग ना करें, है ना, और दो से अधिक चिल्ड्रेन रखें, है ना। उन्होंने यह भी कहा कि पॉपुलेशन जो है उसको एक एसेट के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक बर्डन के रूप में। ओके, उन्होंने एक करंट पॉपुलेशन ग्रोथ डेफिसिट के बारे में बताते हुए यह कहा कि जो ग्रोथ डेफिसिट है वो 0.4% है आंध्र प्रदेश में, जिसमें एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो 1.6% है। अगर हम और उन्होंने यह बताया कि अगर इसी दर से, है ना, ग्रोथ रेट रहा, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो हो सकता है कि हम चाइना, यूरोप और जापान जैसी समस्या का सामना करें जहां पर यूथ पॉपुलेशन ख़त्म हो चुका है, है ना। सो सॉरी, वी नीड टू इंक्रीज आवर पॉपुलेशन, है ना। और नायडू ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां गांवों में सिर्फ बुज़ुर्ग ही बचे हैं, यानी जो यंग पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुका है। साउथ के राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। फर्टिलिटी रेट उस रेट को कहते हैं जब जो महिलाएं हैं वो अपने पूरे जो उनका प्रजनन समय काल होता है उसमें कितने चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करती हैं, है ना, उसको कहा जाता है फर्टिलिटी रेट। तो वो गिरता जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, औसत प्रजनन दर है, वो 2.1 है। वहीं साउथ स्टेट में यह आंकड़ा गिरकर 1.6 तक पहुंच गया है, है ना, फर्टिलिटी रेट। तो सीएम ने कहा कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात पहले करते थे जब वो उस समय सिचुएशन का डिमांड था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अगर साउथ के स्टेट में आप बात करें, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु में हो, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से काफ़ी नीचे है, नेशनल औसत से, है ना, राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। राष्ट्रीय औसत 2.1 है, तो साउथ के स्टेट में यह 1.6 है। केरला में तो ऑलरेडी ये बातें सामने आ चुकी हैं। केरल में जो बुज़ुर्ग बच्चे, बुज़ुर्गों की संख्या अधिक है, है ना, और बुज़ुर्गों को अकेलेपन का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत बूढ़ा हो रहा है, युवा आबादी घट रही है, केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के मुताबिक, है ना। सीएम का कहना है कि भारत बूढ़ा हो रहा है, युवा आबादी घट रही है,
यूथ इन इंडिया 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47% से ज़्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में यह और तेज़ी से गिरेगी। 2036 तक आबादी में 12% से ज़्यादा होंगे बुजुर्ग। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की माने तो 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब 29 साल हो गई है। 2036 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का 12.5%, 2050 तक 19.4% तो सदी के अंत तक 36% होंगे। फिलहाल नेशनल लेवल पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है ना, एक चिंताजनक नहीं है, है ना। लेकिन जब 2.1 से फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है तो यह चिंता का विषय होता है, ये जनसंख्या में गिरावट का संकेत देता है, तो उनके अनुसार इन पे काम करना चाहिए। साथ ही साथ तमिलनाडु के जो CM है स्टालिन, उन्होंने भी इस ओर इशारा किया है ना, कि हमारा जो युवा पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रही है, शायद खासकर जो साउथ के स्टेट है वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो कम हो चुकी है। तो साउथ इंडिया, भारत के साउथ इंडिया में है ना ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। आपका इस पर क्या राय है, आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में है ना, इस कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी आपका राय है ना, जो भी सजेशन है, जो भी आपका एनालिसिस है वो आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।